माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। रिसेंटली मेरी हर एक वीडियो में ना एक सब्सक्राइबर कमेंट आता था कि एक्सेसरीज पे वीडियो बनाओ, सजेस्ट सम वेबसाइट्स और एप्लीकेशन जहाँ पे बहुत अच्छी एक्सेसरीज मिलती हो, बिकॉज अभी आ रहा है फेस्टिव सीजन, हमें वेस्टर्न एक्सेसरीज भी चाहिए, इंडियन एक्सेसरीज भी चाहिए। सो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ सम रियली नाइस पिक्स दैट आई गॉट फ्रॉम शॉपसी। द बेस्ट पार्ट इज ये सारी चीजें अभी सुपर डील पे अवेलेबल है, बिकॉज अभी चल रही है ग्रैंड शॉपसी सेल फ्रॉम 1st to 8th September। जब ये वीडियो लाइव जाएगी सेल ऑलमोस्ट एंड होने वाली होगी, सो मेक श्योर गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट राइट नाउ। ये भारत का सबसे बड़ा मेला है जिसमें आपको 10 लाख प्लस प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं अंडर ₹199 ओनली। मैंने जस्ट अभी रिसेंटली एक मेकअप हॉल भी बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको काफी सारे न्यू मेकअप फाइंड्स दिखाए थे फ्रॉम शॉपसी जो मैंने परचेज करे हैं। मैंने उनका मिनी रिव्यू भी दिया था एंड आई पर्सनली लव्ड इट, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, मैं आपको लिंक कर दूंगी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक्सेसरीज की, एंड एज यूजुअल मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खोला है, मैं सब कुछ आप सबके सामने अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। देखते हैं इनकी क्वालिटी कैसे निकल के आती है, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन अ सुपर डील। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अगेन नॉट गोइंग इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, जो जो हाथ में आता जाएगा उसकी अनबॉक्सिंग मैं करती रहूंगी। तो सबसे पहला आइटम काफी अच्छे से बबल रैप होके आया है। मुझे चाहिए थे व्हाइट कलर की इयररिंग्स। मैंने देखा है अगर आपको कुछ नहीं समझ आता ना, आपको एक पर्टिकुलर ज्वेलरी पीस पहनना है, व्हाइट ले लो। व्हाइट ऐसा कलर है जो सारे आउटफिट के साथ जाता है एंड इट लुक्स वेरी वेरी वर्सेटाइल। तो मुझे झुमका दिखा और ऐसे वाले झुमके मेरे फेस कट पर बहुत अच्छे सूट करते हैं। लाइक इफ यू हैव राउंड फेस ना, तो हमेशा ऐसे वाले झुमके लिया करो, बिकॉज इसमें क्या होता है, ये जो लेंथ होती है ना, ये नीचे ऐसे झुमका होता है, ये हमारे फेस कट को बहुत अच्छे सूट करता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ओ माई गॉड, दीज आर सो प्रिटी। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, वेरी वेरी ब्यूटिफुल फॉर द प्राइस पॉइंट। आई थिंक इट्स प्रिटी, दूर से बहुत सुंदर लग रहे हैं। लाइक दिस इज वॉट आई एम टेलिंग यू, कि अगर आपका राउंड फेस है ना, हमेशा ये झुमके नीचे वाले लेना, ड्रॉप इयरिंग्स बेसिकली, यहाँ पे एक लेंथ हो और फिर नीचे झुमका है, बिकॉज ये हमारे फेस कट पर बहुत अच्छे सूट करते हैं। इट गिव्स काइंड ऑफ लेंथ टू योर फेस एंड यार दीज आर वेरी वेरी प्रिटी, ये हर आउटफिट के साथ जाएगा। व्हाइट इज अ वेरी वर्सेटाइल कलर। ये डब्बा काफी एक्साइटिंग लग रहा है, तो जरा इसको खोल लेते हैं पहले। बाकी सारे तो ऐसे छोटे छोटे डब्बे आए हैं। व्हाट इज इनसाइड इट, दिस इज फ्रॉम वेदा, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। वेरी नाइस पैकेजिंग बाय द वे, एंड वंस यू ओपन इट, वी हैव अ सेट, या इट इज रियली प्रिटी। कैन यू सी, काफ़ी अच्छा नीट वर्क है, कोई भी स्टोन नहीं निकला हुआ। इवन द इयरिंग्स आर वेरी प्रिटी, लाइक बहुत छोटे छोटे डेलीकेट इयरिंग्स है। अगर आपको एक्सेसिवली हैवी इयरिंग पहनना नहीं पसंद, तो आप ये सेट जरूर चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज काफ़ी अच्छा नीट वर्क वाला ये सेट है। आई लव हाउ इट सिट्स ऑन माई नेक, लाइक इसका शेप मुझे बहुत अच्छी लगी, काफ़ी लाइट है, सिंपल है और एकदम सिंपल सोबर सा है, सटल सा। अगर आपको ज्वेलरी पीस देख रहे हो तो ओवरऑल इट इज वेरी वेरी प्रिटी। लाइक दिस इज अ पीस आप कोई भी साड़ी या फिर सूट के साथ पहन सकते हो, काफ़ी डेलीकेट लगता है। किसी के संगीत मेहंदी फंक्शन पहनना, ज्यादा लाउड नहीं पहनना, बिकॉज इट लुक्स वेरी प्रिटी, एकदम डेलिकेट भी लग रहा है और सुंदर भी लग रहा है। एंड ओवरऑल द नेकलाइन एंड द होल वर्क इज जस्ट ब्यूटीफुल। पहले दो पीस तो मुझे बहुत पसंद आए हैं, सो सुपर सुपर एक्साइटेड टू ओपन मोर। ओके, ये है फ्रॉम वोयला। वोयला का ये पर्टिकुलर पीस ना बहुत अच्छी डील पे अवेलेबल था शॉपसी पे, तो मैंने पिकअप कर लिया, अदरवाइज इतना अच्छा डिस्काउंट नहीं आता। वोयला इज एक्चुअली अ वेरी एक्सपेंसिव सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी ब्रांड, यू कैन से। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेरे पास पहले भी वोयला के ज्वेलरी थी। सो दिस इज हाउ इट केम इन दिस पैकेट लाइक सो, एंड स्पार्क समथिंग न्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका MRP है ₹2199, लेकिन मुझे बहुत अच्छी डील पे मिला है, जो प्राइस डील है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। सो इसका जो वर्क है ना, इट्स मोर लाइक जो ब्रास या जो कॉपर वाला वर्क नहीं होता, तो थोड़ा सा ऐसे ऑक्सीडाइज वाली वाइब देता है, जो काफ़ी सारे ऐसे एथनिक सूट्स एंड ऑल पहनो ना, उस पर अच्छा लगता है। वी हैव अ वेरी नाइस स्टोरी, एंड इन्होंने क्लेम भी किया है कि दिस वन इज गोल्ड प्लेटेड। सो इस पर जो प्लेटिंग है वो गोल्ड की हुई है। इट हैज़ अ वेरी इंट्रिकेट पर्ल वर्क, बहुत छोटे छोटे ऐसे पर्ल्स बने हुए हैं। देन वी हैव दिस लोटस डिजाइन, थोड़ा सा ऐसे स्टोन टाइप भी बना हुआ है। ये लोटसेस बहुत सुंदर लग रहे हैं, कोई भी ऐसे साड़ी लुक के साथ ये पहनना होना तो ये काफी अच्छा लगेगा। आई लव द इयररिंग टू, बहुत सुंदर इसके ऐसे छोटे छोटे इयररिंग है जिसपे सेम ऐसे वो लोटस बना हुआ है। ओवरऑल इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल विद एनी सिंपल साड़ी। अगर आपने बिल्कुल प्लेन कोई सिंपल साड़ी पहननी है, उसको थोड़ा सा लेवल अप करना है, तो ये सेट काफी सुंदर लगेगा। नेक्स्ट आइटम इज फ्रॉम माई फेवरेट ऑनलाइन ज्वेलरी ब्रांड और एक्सेसरी ब्रांड, यू कैन से, विच इज जूल्स गैलेक्सी। मेरे पास बहुत इनके हूप इयररिंग्स और एक्सेसरीज है, सो मैंने जूल्स गैलेक्सी से मंगवाया है ये सेट ऑफ रिंग्स। मुझे ना शूट करने के लिए, जैसे कभी हैंड शॉट लेना है या फिर कुछ ब्रांड आइडिया है शूट करना है, हाथ ऑब्वियसली बहुत फोकस दिखते हैं, तो मेरा मन था ऐसे सेट ऑफ रिंग्स पहनने का, जो आजकल काफी ट्रेंडी चल रही है। या फिर जब घूमने जाते हैं, मैं जब भी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाती हूँ, मैं गोल्ड कुछ नहीं पहन के जाती, मैं तो इनफैक्ट अपनी एंगेजमेंट रिंग सब कुछ उतार के चली जाती हूँ, बिकॉज बीच वेकेशन पे जाना होगा, इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना हो, आई कॉन्ट टेक द रिस्क ऑफ कैरिंग गोल्ड ओरिजिनल ज्वेलरी। वैसे ही गोल्ड बड़ा महंगा है आजकल, सो मैंने ये सेट ऑफ रिंग्स ऑर्डर करी है जो मुझे बहुत सुंदर लगी। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इमेज में भी ना वैसे उन्होंने लेयरिंग करी हुई थी, मैंने बहुत बुरी तरीके से लेयरिंग करी हुई है, डोंट चेक द लेयरिंग थिंग, बट सी
सी द रिंग्स बेसिकली वेरी वेरी ब्यूटिफुल. आई लव दिस बिगर रिंग जिसके अंदर से चार लेयर जा रही है. देन ये स्टार वाली, ये स्टोन वाली बहुत सुंदर है. देन वी हैव दीज टाइनी रिंग्स. इनके पास टाइनी रिंग्स भी है सेट में जो आपकी ये वाली फिंगर में फिट आ सकती है. देन वी हैव सम बिग रिंग्स एज वेल. लाइक ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ दीज आर एक्चुअली वेरी गुड. एंड फॉर वेकेशन या फिर कहीं घूमने जाना साथ में कुछ एज एक्सेसरी कैरी करने, नॉट बैड बिकॉज ये इतनी सस्ती है, अगर घूम भी गई तो मुझे इतना दुख नहीं होगा. नेक्स्ट आइटम इज ऑल्सो फ्रॉम अ ब्रांड दैट आई हैव यूज्ड. द नेम इज वेम्बले. ये भी काफी फेमस ब्रांड है ऑनलाइन फॉर एक्सेसरीज. सो इसके अंदर है मोर रिंग्स एंड एज यू कैन सी डिजाइन आर वेरी नाइस. आई रियली लव दिस मून. ये चेन वाली मेरी फेवरेट है. आई थिंक इसी के चक्कर मैंने ऑर्डर किया था बिकॉज मुझे ये जो बैंड और चेन का डिजाइन होता है ना, लाइक द सिंगल वन, ये ऊपर तो प्लेन बैंड है, मैं आपको नीचे वाला दिखा रही हूँ. ये जो चेन डिजाइन है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैंने सोचा हुआ है कि मैं इसको रियल गोल्ड में भी ऐसा बनवाऊंगी. आई जस्ट सेव मोर मनी एंड बाय इट बिकॉज ये डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है. देन दिस बटरफ्लाई वन, देन दिस स्नेक वन एंड दिस सिंपल वाला. ये इसमें छोटा सा हार्ट है जो काफी क्यूट लग रहा है. लाइक ओवरऑल अगर आप कुछ सिंपल ढूंढ रहे हो फॉर योर कॉलेज लुक्स एज वेल बिकॉज आप इसको कॉलेजेस में भी कैरी कर सकते हो. आजकल फैशन है रिंग्स पहनने का भी, सो आप इसको डेफिनेटली अपनी कॉलेज लुक्स में भी कैरी कर सकते हो. एंड ओवरऑल इट लुक्स वेरी वेरी नाइस. नेक्स्ट वी हैव इयर रिंग्स इन वेस्टर्न कैटेगरी. मुझे इसका पर्ल ड्रॉप डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा था. बस कोई भी ऐसा इयर रिंग नहीं है जिसमें ऐसे कफ डिजाइन होता है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वेयर इट. आई एम नॉट रियली श्योर कैसे जाएगा इस साइड या ये वाला इस साइड का जाएगा. मैं आपको जरा पहन के दिखाती हूँ. मेन प्रॉब्लम इज दिस, ये जो इन्होंने हुप दिया हुआ है ना ये लॉक नहीं हो रहा और ये मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे लॉक करना है. सो एक बार मैं सीख लूंगी तो इसको तब पहनूंगी. बट ओवरऑल इट लुक्स लाइक दिस. जो इमेज में स्टोन्स दिखाए थे ऑफकोर्स वो तो बहुत टॉप क्वालिटी वाले थे, ये बिल्कुल वैसे तो नहीं आए हैं. बट ओवरऑल दूर से जो लुक है वो इसकी काफी एलिगेंट है. नीस एंड आया लाइक सिस्टर्स. मैं कुछ कुछ पहनती हूँ, यूज करती हूँ एंड देन आई जस्ट गिव इट अवे टू हर. मुझे अच्छा लगता है उसको ऐसी ऐसी चीजें देना ना. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स वाइट एंड ब्लैक और एक पे टॉम बना हुआ है, एक पे जेरी बनी हुई है. एंड इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी. लाइक अगर आपको दो सिस्टर्स या फिर बेबीज को गिफ्ट करना हो ना, बिकॉज ये बहुत सुंदर लगता है. एंड दीज आर नॉट इवन गर्ली. अगर आप किसी बॉय को भी देना चाहते हो तब भी पहन सकते हैं बिकॉज ये बहुत जेनरिक सा कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट. एंड फॉर बेबीज आई थिंक इट विल लुक वेरी क्यूट. नेक्स्ट अप आई ऑर्डर्ड सेट ऑफ डेंटी नेक पीसेस. मुझे ऐसे डेंटी नेक पीसेस शूट करते हुए पहनने बहुत पसंद है बिकॉज सुंदर लगते हैं. मुझे एक्सट्रीमली गले में हैवी भी पहनने इतना पसंद नहीं है. सो ये गोल्डन में बहुत सारी चेन है, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी. कुछ इस तरह से दिखती है. वी हैव डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन इट. वी हैव अ हार्ट, वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई, वी हैव अ इन्फिनिटी सिंबल जो आजकल मैं पहन रही, मुझे अच्छा भी लगता है. वी हैव अनदर डिजाइन. और डिजाइन ऐसे आप इंडियन कपड़ों के साथ भी पहन सकते हो, वेस्टर्न के साथ भी पहन सकते हो. एंड दीज आर गुड फॉर गिफ्टिंग एज वेल. सो यार ये मुझे काफी अच्छे लगे थे. नेक्स्ट अप आई ऑर्डर दीज हूप इयर रिंग्स विद अ पर्ल ड्रॉप जो आजकल बहुत फैशन में है. ये बहुत सारे वेस्टर्न टॉप एंड ड्रेसेस के साथ सुंदर लगता है. हूप में ऐसा डिजाइन बना हुआ है, नीचे ऐसे पर्ल है जो बहुत सुंदर है. लाइक इट्स सिंपल बट इट्स विजिबल. ऐसा नहीं है कि छोटा सा है. आप इसको जब पहनोगे ना, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ. लव द फैक्ट सिंपल है, विजिबल भी है, सुंदर भी लग रही है. और इसका जो पर्ल का भी कलर है ना, इट्स नॉट व्हाइट, इसमें एक गोल्डनिश पर्ल का कलर है जो बहुत सुंदर लग रहा है. इसको आप कोई भी एक सिंपल कुर्ती या फिर सूट के साथ भी पहन सकते हो एंड वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ तो ये जाएगी जाएगी. आई एम वेयरिंग इट बाय द वे नाउ बिकॉज हमारे पास अब लास्ट आइटम बचा है विच इज एन ऑर्गेनाइजर. इतनी सारी ज्वेलरी जब होती है ना तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजर लेना बहुत जरूरी है. तो मैंने ये ऑर्डर किया है शॉपसी से. ह्यूज, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतनी बड़ी आएगी, बट काफी अच्छी बड़ी आई है विच इज नाइस. मैंने एक बार बहुत पहले ना अमेजोन से पता नहीं कहाँ से ऑर्गेनाइजर मंगाया था और वो इतना सा आया था, लिटरली इतना बड़ा दिख रहा था और वो इतना सा आया था. उसके अंदर कोई ढंग का इयर रिंग फिट नहीं आ रहा था. बट दिस वन इज ह्यूज. लाइक इफ यू कंपेयर विद माई फेस ऑलमोस्ट ये डबल साइज का है, कुछ इस तरह से दिख रहा है. एंड द बेस्ट पार्ट इज इसके अंदर जो पार्टीशन है ना अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो. सो वी हैव अ वेरी नाइस लॉक ओवर हेयर. आप अपने हिसाब से पार्टीशन चेंज कर सकते हो. लाइक अगर मुझे सिंगल सिंगल क्यूब के पार्टीशन रखने तो मैं ऐसे रख सकती हूँ. अगर मुझे ये पूरी लेंथ चाहिए कोई लंबा इयर रिंग रखने के लिए, कोई लंबा नेक पीस रखने के लिए, तो मैं पार्टीशन नहीं लगाऊंगी. यू कैन जस्ट सिंपली स्किप इट. अदरवाइज आप कोई भी पार्टीशन अपना छोटा कर सकते हो या फिर यहाँ से बड़ा कर सकते हो. एंड ओवरऑल इट लुक्स लाइक दिस. हमेशा अपनी ज्वेलरी ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखा करो सो दैट व्हेनेवर यू आर लीविंग फॉर एनी फंक्शन पार्टी, आपके पास इतना टाइम नहीं है, फटाफट यहाँ से देखो आपको समझ आ जाता है कौन सा लेना है, फटाफट उसको निकाला है एंड देन यू कैन वेयर इट. इसके अंदर मैं आपको एक हैक देना चाहती हूँ विच इज कशिका ज्ञान. इसके अंदर आपको चौक के पीसेस डाल सकते हो या फिर जो सिलिकॉन बेसिकली पैकेट्स आते हैं ना, आप शूज मंगाते हो या बैग या कुछ भी लेते हो, उसके अंदर एक पैकेट आता है जिसपे लिखा होता है डू नॉट कंज्यूम, थ्रो इट, इट इज पॉइजन. उसको आप इसके अंदर डाल सकते हो बिकॉज जो सिलिकॉन के छोटे छोटे पैकेट होते हैं ना वो सारा जो मॉइस्चर होता है वो
एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड देन दे अवॉइड एनी काइंड ऑफ लाइक टार्निशिंग या फिर जो भी घी मॉइस्चर की वजह से आपकी ज्वेलरी खराब होती है ना वो नहीं होती. एंड या इट्स नाइस. फर्स्ट टाइम मैंने एक ऑर्गेनाइजर मंगाया है जिसका साइज मुझे अच्छा लग रहा है, जिसका पूरा एक सिंपल है, सब कुछ विजिबल है. सो डेफिनेटली आप शॉपसी की सेल पे ले सकते हो. सो दीज वर माई शॉपसी एक्सेसरीज फाइंड. इसके अलावा एक और ब्रेसलेट है जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ, उसकी डिलीवरी डेट बहुत लेट दिखा रहा है वो अभी, और तब तक सेल खत्म हो जाएगी तो मुझे वीडियो को लाइव करना था. मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दूंगी वो कुछ इस तरह से दिखता है. डू लेट मी नो आपको ऐसे एक्सेसरीज हॉल्स अच्छे लगे या फिर नहीं लगे. आई थिंक मैंने आफ्टर 2-3 ईयर्स या फिर पता नहीं कब मैंने बहुत पहले एक एक्सेसरी हॉल बनाया था, बहुत सालों बाद मैंने प्रॉपर एक अफोर्डेबल बजट फ्रेंडली एक्सेसरी हॉल बनाया है. आने वाले फेस्टिवल टाइम के लिए, वेस्टर्न इंडियन फंक्शंस के लिए एकदम परफेक्ट हैं वाले ज्वेलरी पीसेस. सबके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो प्लीज चेक कर लेना सबके लिंक्स. एंड ये जो शॉपसी की ग्रैंड सेल है ये एंड हो जाएगी 8 सितंबर को, सो मेक श्योर आप 8 सितंबर से पहले सब कुछ शॉप कर लो, बिकॉज मैंने जिस प्राइस पे लिया है आपको और सस्ते प्राइस पे मिल सकता है, विच इज ग्रेट थिंग. ये भारत का सबसे बड़ा मेला है जिसमें 10 लाख प्लस आइटम्स आपको मिल रहे हैं अंडर ₹199 ओनली. सो डेफिनेटली शॉप ASAP. Check the description box for all the links. Subscribe to my channel. If you like this video, give it a big thumbs up. And yeah, I'll see you next time. Bye bye.